Hello everyone welcome back to your English class today we are going to read the second part of the chapter media then and now first part we have read about keyword paintings invention of paper printing press and newspapers let's know the further about this chapter newspapers were the first form of media to have widespread and loyal audience newspaper media ka sabse pehla or important पार्ट है जिसमें उसे बहुत सारी ऑडियंस uh, मिली पीपल कुड नॉट वेट टू गेट देअर हैंड ऑन अ फर्स्ट फ्रेश कॉपी थिंग इन द मॉर्निंग लोगों को सबसे पहले सुबह उठते ही किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी न्यूज़पेपर की बिकॉज दे वॉन्टेड टू नो अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन देअ वर्ल्ड दे कूडन्ट वेट टू रीड वॉट वॉज न्यू विद द वर्ल्ड so they were the first captive media audience and they were addicted to news asiye wo uh, log aise audience the audience, news kabina the. the next major change was the introduction of photos to newspaper a picture of barricades in paris during an uprising on 25th 1848 newspaper प्रिंटिंग में एक मेजर चेंज आया वो था पिक्चर्स का प्रिंट होना बिकॉज पहले न्यूज़पेपर में कभी भी किसी भी पिक्चर को प्रिंट नहीं किया गया ये फर्स्ट टाइम था जब ट्वेंटी फिफ्थ जून एटीन फोर्टी एट में किसी पिक्चर को न्यूज़पेपर में प्रिंट किया गया और फिर एक बिगेस्ट न्यूज़पेपर स्टोरी के रूप में ये सबके सामने आया इन द इनिशियल ईयर्स फोटोज वर यूज टू जस्ट टू एनहेंस अ न्यूज़ स्टोरी पहले के समय में तस्वीरों का प्रयोग जो फोटोज अखबार में या समाचार पत्रों में प्रिंट होती थी सिर्फ समाचार को बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था देयर वन नो स्टैंड अलोन पिक्चर्स देन समथिंग सो कॉमन दीज डेज जैसे आज आ, हम इंडिविजुअली किसी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं तो उ, उस टाइम में ऐसा नहीं होता था फोटोग्राफ वॉज ए कम्बसम एक्टिविटी बैक देन ऑफ कम्बल इज लार्ज हैवी और देअ फॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज फ़ोटोग्राफी के लिए जो कैमरा यूज़ करते थे उसका साइज़ बड़ा होने की वजह से उसको कैरी करना डिफ़िकल्ट लगता है एंड डिसेंट पोर्ट्रेट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कैप्चर एंड डेवलप किसी एक अच्छी फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए और प्रिंट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था एंड आई नो हा इट इज़ हार्ड टू इमेजिन दो टाइम इन द एज ऑफ इंस्टेंट सेल्फीज और ये इमेजिन करना बिकॉज आज हम एक छोटा सा क्लिक करते हैं और सेल्फीज ले ले सकते हैं ना यानी फोटोग्राफी कितना ईजी हो गया है बट वहीं अर्ली टाइम में जब कैमरे का साइज बहुत बिग होता था तो वो फोटोज क्लिक करना और फिर उसको रील को डेवलप करना इट इज़ वेरी अ लॉन्ग प्रोसेस हाउ एवर इट डि नॉट टेक टू लॉन्ग फॉर पीपल टू रिल्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गुड पिक्चर हालांकि लोगों को एक अच्छी पिक्चर को पहना पहचानने में और उसके प्रभाव को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा रॉजर फेंटन वॉज द फर्स्ट वॉर फोटोग्राफर और पहले विश्व युद्ध के समय में यानी फर्स्ट वॉर के टाइम जो फर्स्ट फोटोग्राफर थे वो थे रॉजर फेंटन ही डॉक्यूमेंटेड द इफेक्ट्स ऑफ द क्रीमियन वॉर ही लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न फोटो जर्नलिज़म वॉर में जो तस्वीरें खींची उससे उस क्रीमियन वॉर का दस्तावेजीकरण हो गया यानी कि उसका प्रूफ मिल गया ही टू फॉर मॉडर्न फोटो जर्नलिज्म और उन्होंने फोटो जर्नलिज्म को एक बेस दे दिया इन एटीन सिक्सटीज मैथ्यू ब्रैडीज फोटोग्राफ्स ऑफ द यूएस सिविल वॉर शॉक्ड अमेरिकन और एटीन सिक्सटी के समय में जो अमेरिकन सिविल वॉर थी उसमें मैथ्यू ब्रेडी की तस्वीरों ने अमेरिका के सभी निवासियों को हैरानी में डाल दिया द मूविंग पिक्चर्स केम इन 1895. नाइंटी फाइव द लुमरे ब्रदर्स केव द फर्स्ट पब्लिक डेमोस्ट्रेशन ऑफ मूविंग पिक्चर्स इन पैरिस इंटरेस्टिंगली द मूविंग इमेज ऑफ अ लाइफ साइज ट्रेन कमिंग टूवर्ड्स दैम शॉक द ऑडियंस एंड मैनी इवन रन अवे वी हैव कम अलॉन्ग वे फ्रॉम दोज डेज द फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री टूडे एटीन नाइन्टी फाइव में मूविंग पिक्चर्स आई लुमरे ब्रदर्स ने इन मूविंग पिक्चर्स को पहली बार पेरिस में लोगों के सामने प्रदर्शित किया और नाइनटीन एटी फाइव में हिलती हुई तस्वीरें यानी मूविंग पिक्चर्स आई लुमरे ब्रदर्स ने मूविंग पिक्चर्स का प्रदर्शन पहली बार पेरिस में सबके सामने किया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन मूविंग पिक्चर्स के एक एग्जाम्पल को देखकर जिसमें एक ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है जनता को हैरान कर दिया और कई तो इस प्रदर्शन को देखकर कर वहाँ से ही गए इसके साथ साथ हिलती हुई तस्वीरों की वजह से ही आज हमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री मिली है जो कि एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है Meanwhile in 1901 Italian inventor Guglielmo Marconi raised a radio antenna attached to a kite on Signal Hill Newfoundland Canada and received a radio signal from Cornwall England about 34 kilometers away Marconi made instant communication without wires possible 1901 mein, Italian inventor Guglielmo Marconi ne a radio antenna banakar थर्टी फोर हंड्रेड किलोमीटर के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल किया और ये कम्युनिकेशन विदाउट वायर्स था यानी कि रेडियो का इन्वेंशन की बिगनिंग थी दिस वाज द बिगनिंग ऑफ द रेडियो इट वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मास मीडिया अंटिल रिसेंटली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रेडियो इज द लिटरेसी ऑफ़ द ऑडियंस इज नॉट अ फैक्टर इवन टूडे इन इंडिया वे आर लार्ज स्वेट्स ऑफ पीपल कंटिन्यू टू बी इलिटरेट रेडियो इज़ यूज बाय गवर्नमेंट टू डिसमिनेट न्यूज़ एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वेलफेयर स्कीम्स रेडियो न्यूज़ पेपर से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज न्यूज़ पेपर को सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्ति ही पढ़ पाते थे और समझ पाते थे बल्कि रेडियो के माध्यम से जो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे उन्हें भी सूचनाएँ प्राप्त हो सकती थी और इवन आज भी इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं तो वो रेडियो के माध्यम से और गवर्नमेंट द्वारा जो सूचनाओं का प्रसारण होता है इन्फॉर्मेशन दी जाती है या अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं स्कीम्स चलाई जाती है उन सब की सूचना वो रेडियो पर भी प्रसारण करते हैं रेडियो पर प्रसारित की गई ये सभी सूचनाएं बिना किसी असुविधा के बिना पढ़े लिखे व्यक्तियों तक पहुँच जाती हैं रेडियोज पॉपुलैरिटी टुक अ बिग हिट वेन टेलीविज़न सेट स्टार्टेड एंटरिंग द लिविंग रूम्स इन द वेस्ट टेलीविज़न हैड इन्फिलिट्रेटेड मोस्ट होम्स बाई नाइनटीन फिफ्टीज़ टेलीविज़न कंटिन्यूज टू भी वन ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया और रेडियो की पॉपुलैरिटी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सबके लिविंग रूम में टेलीविज़न सेट आ गया यानी कि नाइनटीन फिफ्टीज़ तक पश्चिमी देशों के हर घर में टेलीविज़न था टेलीविज़न जो है वो एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म बनता गया मास मीडिया का ओनली द रियल कॉम्पिटिशन टू टेलीविज़न कम्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया द लेटेस्ट इन द एवन चेंजिंग मास मीडिया लैंडस्केप अभी तक टेलीविज़न को सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ही एक कॉम्पिटिशन दिया है यानी टेलीविज़न के पास अगर कोई मोस्ट पॉपुलर मास मीडिया आया है तो वो है इंटरनेट और सोशल मीडिया In the next video, we will know about the internet and social media.